यूएई में रेसर की रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएस टाइम न्यूज। अगले हफ्ते रेसर की एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन बता दूं कि रेसर की एडवांस बुकिंग यूएई में शुरू हो चुकी है। जी हां, यूएई में सलमान खान की फिल्म भारत से एक दिन पहले भी रिलीज होती है और यूएई में भी सलमान खान की फैन फॉलोइंग बहुत ही तगड़ी है। सलमान खान की पिछली मूवी टाइगर जिंदा है ने यूएई में करोड़ों का बिजनेस किया था और अब बारी है रेसर की। जी हां, रेसर की एडवांस बुकिंग यूएई में बहुत सारे थिएटर में शुरू हो चुकी है और उसका एक रिपोर्ट भी सामने आया है। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार ये फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत ही तगड़ी हो रही है और साथ ही में ओवरसीज में भी ये फिल्म बहुत सारे देशों में रिलीज होने वाली है, जैसे फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, वैसे बहुत सारे देशों में ये फिल्म रिलीज होने वाली है और इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंस भी हो चुकी है। यानी कि ये फिल्म भारत में तो तहलका मचाने ही वाली है, लेकिन ये फिल्म विदेशों में भी धमाल मचाएगी। तो फ्रेंड्स, 15 जून आ रहा है सिकंदर अपने नाम करने के लिए, हो जाइए तैयार। आप कितने एक्साइटेड है ये फिल्म को लेकर और आप क्या कहेंगे इस न्यूज को लेकर, वो हमें कमेंट करें। रेस 3 का जलवा अब होगा फ्रेंच में भी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फेस्टा न्यूज। सलमान खान की फिल्म भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन करती है और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है। जय, ये फिल्म ने विदेशों में भी करोड़ों का बिजनेस किया था, लेकिन इस बार रेस 3 ये सब फिल्मों का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है क्योंकि ओवरसीज में भी रेस 3 का डिस्ट्रीब्यूशन जोरों से हो रहा है। बता दूं कि रेस 3 अब फ्रेंच में भी रिलीज होने वाली है। जय, रेस 3 के फ्रेंच पोस्टर भी सामने आ चुके हैं। बता दूं कि सलमान के बहुत सारे फैंस फ्रेंच में भी है, यानी कि ये फिल्म फ्रेंच में भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन करेगी और इसको लेकर सलमान खान ने भी अपने फ्रेंच के फैंस को थैंक्स कहा है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें कोई शक नहीं कि रेस 3 एक बड़ी फिल्म बनने वाली है क्योंकि ये फिल्म का ओवरसीज यानी कि विदेशों में भी जमकर प्रमोशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे रेस 3 को लेकर, वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज़ पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की खबरें के लिए एफएसटा न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।